नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर आया है हमारे पास गोवा से। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग के साथ आया है, थोड़ा भी डैमेज नहीं हो सकता है, ऐसी इतनी अच्छी पैकिंग में भेजा है। तो ये है हमारे पास NS का मीटर। सबसे पहले इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं इसमें फॉल्ट क्या क्या है। जैसे कि दिख रहा है लाइट नहीं जल रही है, RPM वर्क कर रहा है, डिस्प्ले भी हल्का हल्का पीछे पीछे थोड़ा दिख रहा है, मतलब डिस्प्ले फेड है और लाइट नहीं काम कर रही है। चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रूज इसके निकाल लेते हैं। बोन बॉडी को खोलने के लिए इसका स्टिकर वगैरह भी उतारना पड़ेगा। तो स्टिकर उतारने के लिए सबसे पहले रिंग निकालना पड़ता है इसका, और भाई ये रिंग बड़ी मुश्किल से निकला, इसके स्क्रू किसी ने खोलने के चक्कर में पूरे डैमेज कर दिए थे। तो ये खुल गए हमारे बोन बॉडी के सारे स्क्रू, ये हमने निकाल दिया। अब बोन बॉडी को बोर्ड से अलग करने के लिए इसकी डिस्प्ले निकालनी पड़ेगी, और डिस्प्ले में वैसे भी इसकी निकालनी है क्योंकि हमें रिपेयर करनी है। इसकी डिस्प्ले कम्प्लीटली फेडेड है। मेरे कस्टमर से बात हुई है इसके बारे में, तो कस्टमर चाहते हैं इसमें डिस्प्ले में डार्क थीम और आपका RPM साइड में वाइट। मीटर में पता नहीं कहाँ से मॉइस्चर काफ़ी गया है, और मॉइस्चर की वजह से सारे प्रिंट वगैरह पे काफ़ी कार्बन जैसा जमा हुआ है। तो जितना हुआ उतना तो मैंने क्लीन कर दिया, और आगे भी बोर्ड खोल के दोनों तरफ से कर दूंगा। ये वाटर डैमेज की वजह से ही मीटर ख़राब भी हुआ है। सबसे पहले तो हमें इसकी लाइट चालू करनी है, क्योंकि लाइट चालू रहेगी तो नई लाइट लगाएंगे तो वो भी चलेगी। इसके स्क्रूज़ पे जितना रस्ट मैंने देखा उससे मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम लाइट की नहीं है, बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर जिसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इसका एक बार बोर्ड रिपेयर कर लेंगे। देखिए सब कुछ चल रहा है, RPM भी वर्क कर रहा है, बट लाइट नहीं जल रही है। RPM वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, बस ना तो RPM की लाइट जल रही है और ना ही इसकी डिस्प्ले की लाइट जल रही है। ये हमने इसका बोर्ड रिपेयर कर लिया है। बोर्ड रिपेयर करने के बाद देख सकते हैं अभी लाइट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, बट ये दोनों तरफ की येलो लाइट हम निकालने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक लाइट हम इसमें छोड़ने वाले हैं जो कि रेड लाइट है, जो कि निडल के लिए रहेगी। ये निकाल ली हमने इसकी सारी LED, और अब RPM साइड की भी निकाल लेंगे। अब इसमें सिर्फ एक लाइट बची है बैक लाइट में, जो कि है सिर्फ निडल की लाइट। चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्ले पे, डिस्प्ले रिपेयर करते हैं इसकी। डिस्प्ले हम इसकी रिपेयर करेंगे डार्क थीम में। बोर्ड को अच्छे से रख देते हैं। ये डिस्प्ले की ख़राब शीट निकाल दी, इसका गम पूरा निकाल दिया, क्लीन कर दिया इसको। अब लगाते हैं इसके ऊपर ये डार्क थीम वाली फिल्म। ये लग गई हमारी डिस्प्ले पे डार्क थीम फिल्म। ये होगी डिस्प्ले हमारी ब्लैक। चलिए अब डिस्प्ले का काम हो गया, अब आ जाते हैं बोर्ड पे। ये वाली लाइटें मैं दिखा देता हूँ, ये हम पूरे बोर्ड में लगाने वाले हैं। ये लगा दी हमने, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है वाइट लाइट का। अब डिस्प्ले को लगाने की देरी है, बस जैसे डिस्प्ले लगाएंगे और काम ख़त्म। ये देखिए, ये बिना सोल्डरिंग के वैसे ही आपको कनेक्ट करके दिखाया एक बार। चलिए फटाफट से डिस्प्ले को सोल्ड कर लेते हैं। ये हो गई हमारी डिस्प्ले की सोल्डरिंग कंप्लीट, और अब आपको दिखा देते हैं
देख सकते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, कितना अच्छा विजिबिलिटी, कितनी अच्छी विजिबिलिटी आ रही है इसमें। सारे नंबर्स बिल्कुल एकदम क्लियर हैं और इसकी लाइट इतनी है कि ये दिन में भी अच्छे से दिखती रहेगी। तो चलिए अब इसको फटाफट से बॉडी में फिट करते हैं। रिंग के दो स्क्रू खराब हो गए थे तो दो स्क्रू मैंने अपनी तरफ से लगा दिए इसमें। अगर ये ढीला रह जाए तो खड़खड़खड़ आवाज़ करता रहेगा अंदर, तो उसको भी टाइट करना ज़रूरी है। दोनों स्विच लगा दिए और ये हमारे सारे स्क्रू, इसके सारे ही स्क्रू गले हुए थे, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में थे, तो मैंने इसके सारे ही स्क्रू चेंज कर दिए। अभी आपको फाइनल टेस्टिंग दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आप कुछ भी आप मुझसे बताएंगे तो मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।